समय कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है, जिसमें एक बीमारी ये भी है कि पथरी। जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि पथरी की बीमारी कई दिनों से लोगों को परेशान कर रही है। किसी के पित्त में हो जाती है तो किसी के गुर्दे में हो जाती है। लोग देसी दवाई भी खाते हैं लेकिन ठीक नहीं होती। कई मरीज जो हैं जिनको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। इस तरह की बीमारी आए दिन देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या कारण है कि इस समय पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्ट्रासाउंड कराया, झांसी में दिखाया, इधर भी दिखा रहे हैं, लेकिन 15 साल से बराबर बन रही है। हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। कितनी एमएम की है? 15 से 16 एमएम की है, 14 थी, 13 निकल गई हैं। कितनी बार ऑपरेशन करा चुके हैं? 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं। रिपोर्ट में क्या आता है? वही आती है, पथरी आती है बार बार, हर बार बन जाती है। पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, नशे के इंजेक्शन लगते हैं डायना पर, तब आराम मिलता है। तो आयुर्वेदिक दवा खाई उससे आराम नहीं मिलता है? मिलता है, जब तक खाते रहो तो आराम मिलेगा, फिर दर्द होने लगता है। कहाँ तक ऐसी दवाई खाएं? एक हफ्ता की 700 की आ रही, महीने भर में 3-4-5 हज़ार भी हो जा सकती है। डॉक्टर की फीस भी देना है, कहाँ से लाएं? 16 साल से परेशान है, 16 साल से पथरी है। चेकअप करवाया और झांसी में 2 ऑपरेशन करवा चुके पथरी का। हाँ, एक जो है अपने इसमें गल ब्लैडर में था तो गल ब्लैडर निकल गया। दूसरा किडनी में है तो बड़ा ऑपरेशन किडनी का हो गया। लेकिन जो है वो बार बार फिर बन जाती है। अभी भी जो है 16.5 mm की एक साइड पथरी में है और उसका भी अब ट्रीटमेंट करवा रहे, दवा खा रहे, आयुर्वेदिक बताया आयुर्वेदिक खा रहे, लेकिन उससे भी मालूम कोई आराम नहीं है। गैस ज्यादा बनती है तो उसकी वजह से पूरे किडनी में पेट में दर्द रहता है। सर, एक दिन में पथरी के मरीज कितने आते हैं इधर? एक दिन में 10-15-20 मरीज तक आ जाते हैं, कम से कम 10 मरीज तो आ ही जाते हैं। तो पथरी होने का कारण क्या है, कैसे हो जाती है पथरी? पथरी होने का कारण है मेनली कम मात्रा में पानी पीना। लोग पानी कम पीते हैं और कम से कम 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट, मतलब 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है, तकरीबन 1.5 लीटर 2 लीटर तक यूरिन पास हो। लेकिन पीते ही 1.5 लीटर है तो उतना यूरिन बनता ही है। जो कैल्शियम जो भी साल्ट रहते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, पथरी जो बन जाती है। तो किस तरह का इलाज दिया जाता है पथरी के मरीजों को? पथरी डिपेंड करता है पथरी का साइज कितना है, पथरी की लोकेशन क्या है। यदि नली में है, बड़ी साइज की है तो ऑपरेशन की जरूरत होती है। यदि किडनी में है, छोटी है, 10 mm से छोटी है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मेडिसिन और सिरप वगैरह देते हैं, पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है। कितने mm में ऑपरेशन करवाना जरूरी रहता? मैम डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। यदि नली में है तब 5-6 mm तक की पथरी आसानी से पास हो जाती है, जो पेशाब की नली होती है, यूरेटर हम जैसे बोलते हैं, जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहती है, तो यदि उसमें है तो 5-6 mm तक की पास हो जाती है। इससे ऊपर कई बार फंसी हुई रहती है, दिक्कत करती है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। यदि पथरी किडनी में है तो 10 mm तक की पथरी पास आउट हो सकती है दवाइयों के माध्यम से। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।